पी लेगी तो काफी खूबसूरत नजारा लग रहा है यार, बहुत मजा आ रही है, क्या बताऊं। तो गाइस धूप में बार बार मेकअप खराब हो जा रहा है, तो मतलब तुरंत तुरंत से मेकअप करना पड़ रहा है। Hey guys, this is Hasan and I hope कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे और एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं सॉन्ग का शूटिंग, जो आप लोग पहले ही देख चुके होंगे कि सॉन्ग कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। आज हम लोग उसका शूटिंग दिखाने वाले हैं, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं सॉन्ग का। तो हमारे सिंगर भाई अंशु भाई है और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी अंशु भाई है, दोनों अंशु भाई है। और ये जगह कहाँ पर है? ये जगह है फतेहपुर यूपी। तो भैया कुछ कहना चाहेंगे आप सॉन्ग के बारे? म्यूजिक कंपनी का नाम है जेसी म्यूजिक। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, पर बहुत जल्द बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वही गाने के बारे में। तो गाना तो आ चुका होगा, उसके बाद ये ब्लॉग आएगा। हाँ तो वही हुआ तो बाद में ही बताएंगे। अभी तो गाना बन रहा है, फिलहाल अभी क्या बोला जाएगा। अच्छा अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कैसा बनता है एकदम। भैया तो बोला कि बहुत ही बवाल बनेगा, सुन के आप लोग को मजा आ ही गया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है सॉन्ग। और इस बार हम भी गाए, और अगर इस सॉन्ग पे अच्छा खासा हमें प्यार मिला तो अगला सॉन्ग भी बहुत ही जल्दी हम लोग लाएंगे। तो आपके ऊपर है, तो 10 दिन के अंदर 1 मिलियन जाना चाहिए फिर। हाँ 1 मिलियन जाना चाहिए 10 दिन के अंदर, उससे ज्यादा जाना चाहिए। तो गाइस सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने से पहले भैया चाय पिला रहे हम लोग अदरक वाली, ताकि आवाज थोड़ी अच्छी निकले। आज भी याद है, आज भी है याद जब करी थी शुरुआत। आज भी याद है जब करी थी शुरुआत, हंसते थे मुझ पे सब उड़ाते थे मजाक। ये सेकंड वाले जो उड़ाते थे मजाक करो आप इसको, मजाक। आज भी याद, आज भी है याद। ये 25-26 टेक हो गया, लेकिन अमित भाई बस वहीं पे भूल जा रहे हैं, सेम जगह पे सेम प्लेस पे। याद जब करी थी शुरुआत। हाँ पहचान 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 मेरी जान, पूरे यूपी से बिहार तक मैं करूँ चक्के जाम। बस क्या तू यहाँ आके मुझको कैसा लग रहा है जरा बताओ? ठीक ही लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है। पहली बार सिंगिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम लोग गाइस पहली बार गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि इतना ज्यादा मेहनत लगती है। हमने सोचा कि एक बार गाएंगे बस वो खत्म है, बस पीठ पे बैठाना है, बट बहुत ही ज्यादा मेहनत है गाइस, बहुत ही ज्यादा। जितना वीडियो बनाते हैं उनसे बेहतर, जो वॉइस डबिंग करते हैं ना उनसे भी ज्यादा मेहनत लग रहा है इस पे। बट वो आपको मजा भी आया होगा सॉन्ग पे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और प्यार दिखाइए गाने में। दुआओं से आपकी हमने ले ली दो दो बार, दुआओं से आपकी हमने ले ली दो दो कार, दुआओं से आपकी ले ली दो। दुआओं से आपकी हमने ले ली दो दो बार, दुआओं से आपकी हमने ले ली दो दो, दुआओं से आपकी ले ली थोड़ी खराब करके, दुआओं से आपकी ले ली हमने दो दो कार। अरे अब वॉइस ना दे रहा है हम लोग को, अब वॉइस ना दे रहा है कि दो दो बार मांग रहा है। चलो चलिए म्यूजिक दीजिए, चलो रोल कैमरा एक्शन। दुआओं से ले ली हमने आप अमित भाई, हमने ले ली तो अमित भाई बिना लिए नहीं मानेंगे। दुआओं से आपकी हमने ले ली तो कार रेडी। दुआओं से आपकी हमने ले ली तो कार। ये सही था, हमारे मुंह में हंसी निकलो लो ना। तो गाइस फाइनली बहुत टेक के बाद ये फाइनली ये टेक हो गया। तो गाइस अब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और बस स्टैंड में आ चुके हैं फाइनली, और देख सकते हैं कितना सारा सामान है हमारी फटी पड़ी है उठाते उठाते। बात सही है, वीडियो बनाना इतनी आसान नहीं होती है जितना आप लोग सोचते हो, इतने सारे बैग उठाने पड़ते हैं। भाई साहब कल से आपने कितना बार खाना खाया है? दो दिन हो गया, एक बार खाना मिला। ये एक बार खाना खाया है ये। तो गाइज देखते हैं बस कितना टाइम में मतलब आता है, उसके बाद निकलते हैं सीधा। अमित भाई भी फाइनली आ चुके हैं। अमित भाई कैसा लग रहा है सामान ढो के, कैसा लग रहा है बताइए?
तो गाइस आप लोग देख सकते हो वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है आप लोग जितना आसान सोचते हो। बस देखते हैं आप कितना टाइम में आता है। चलिए गाइस तो भाई हम लोग शूट के लोकेशन पे आ चुके हैं और अब हमारा शूट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेकअप वगैरह हो जाए। लड़के बहुत ही काले हैं तो थोड़े वो गोरे हो रहे हैं मेकअप करके, देख सकते हो उधर हो रहा है मेकअप। अब इधर थोड़ा गोरा कर दीजिएगा जैसे कि कालापन उसका मिट जाए, खास करके उसको। अब देखो ऐसा करते हैं पहचान मिले, घर वाले भी पहचान मिले। प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉरी हम ऐसा नहीं कर सकते। लड़कियों वाला मेकअप करना है, लड़की वाला मेकअप, लिपस्टिक वगैरह लगा दी, लगवा दी इसको, सब चलेगा ना, बड़ी बड़ी आईलैशेस वगैरह आपका जो मन करे, बस इसके आंख थोड़ा निकाल दीजिए, ठीक है, बाहर निकाल, बाहर निकाल दीजिए क्योंकि आंख थोड़े ज्यादा अंदर चला गया है। इनका मेकअप करके ये देख सकते हो, ये लिपस्टिक वगैरह लगवा लिया, दिखाओ जल्दी और दिखाओ, देख सकते हो गाइस इसका लिप, और ये तो पैदाइशी काला है बट आज बुरा दिख रहा है क्योंकि मेकअप कर लिया है। ओहो चमक रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत काले लग रहे इसको छोड़ दो, तुमसे ज्यादा गोरे लगे। तो हम लोग शूटिंग लोकेशन पे आ चुके हैं, आज यहाँ पे करने वाले अपना पहला सीन, ये देख सकते हो ये हमारा लोकेशन कैसा दिख रहा है बताओ कमेंट में। वीडियो तो आप देख ही चुके हो, सॉन्ग के बाद ये ब्लॉग आएगा, तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं, उनका सीन हो चुका है, अब हमारा सीन होगा। वो पहले से तब से सुबह से कर रहा है डांस, कैसे डांस किया हमने खुद नहीं देखा क्योंकि हम अंदर बैठे थे, अभी देखते हैं हम कैसा करते हैं, हमें तो खुद हमारी फटी पड़ेगी हम लोग डांस कैसे कर पाएंगे। और हमको भी डांस का लुर नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। लड़की जैसा दिख रहा है भाई, संभाल दीजिएगा, हम तो बोले सबसे आसान स्टेप दीजिए सलमान खान जैसा, पैकेट में से हाथ हाथ डाल के बस वैसे से कर दे, बाद में डांस वगैरह हमसे नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, आप देखते हैं क्या होता है। अगर आप करवा दिए तो फिर ये समझ लीजिए जो हम किया अच्छा किया तो आपका क्रेडिट, बुरा किया वो भी आपका क्रेडिट, पूरा क्रेडिट आपका। चलिए फिर देखते हैं कैसा कर पाते हैं, नर्वस तो बहुत ज्यादा क्योंकि डांस कभी किया नहीं है, देखते फिर। ये जो है ना ये लाल कलर के पहने हुए हमारे टीम के मेंबर, इनकी तो हालत खराब हो गई गाइस, सुबह से डांस कर रहे हैं, और अमित भाई भी इधर अभी कुछ देर से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आ गया हूँ, तो यहाँ पे शूटिंग चल रहा है इस लोकेशन पे, और यहाँ से सिखाया जा रहा है और वहाँ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब देखते हैं कौन कौन गलत गलत स्टेप करता है, कौन सही स्टेप करता है, ये तो सारे गलत ही गलत स्टेप कर रहे हैं। तो गाइस धूप में बार बार मेकअप खराब हो जा रहा है, तो जब मतलब तुरंत तुरंत से मेकअप करना पड़ रहा है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मेकअप हुआ था ना तब थोड़ा चिकने लग रहे थे। अब नेक्स्ट हसनैन की बारी, मेकअप नहीं मेरा पहले से मतलब गोरा होने का घमंड है, हैं? जल्दी सेट हो जाता है, नहीं लेकिन ये तो एटीट्यूड में, फुल एटीट्यूड में है कि हम पहले से ही गोरा है, मेकअप का जरूरत नहीं है। हट भी जाएगा फिर भी। अब मानो या मानो हम तो निकालेंगे। अब लग रहे हो ना हीरो। और गाइस इधर देख सकते हैं कैमरामैन, मतलब कैमरा सेटअप हो रहा है। रास्ते पे चला वो रास्ता ना आसान, पूरे जिले में ना कोई जो है मुझसे अनजान, गाइस हम दिखाने वाले आपको इतनी खूबसूरत जगह, आप देख सकते हो ये हमारे सॉन्ग पे यूज होगी, ये यहाँ पे सीन होगा कि नहीं वो तो नहीं पता, बट इतने खतरनाक सीन आ रहे हैं इस पे, आप देख सकते हो गाइस क्या ही खूबसूरत सीन है। इधर यहाँ पे दारू की स्टॉल है, हम लोग पीते नहीं है बट स्टॉल है दारू की। इधर पिछले जमाने में जो लालटेन बोलते थे ये इधर लगी हुई है, आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है, फोटो खिंचाने के लिए वीडियो भी बहुत ही खतरनाक बनती है। और इधर देख सकते हो क्या ही कलरफुल सजाया गया है, परफेक्ट एकदम, ये लोकेशन हमने खरीदी है और इसको खरीदने में हमारी फट गई है, बट सॉन्ग के लिए खरीदना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा पैसा इस सॉन्ग पे, लगभग हमारा बजट गया 5 लाख तक का गाइस, बता दें आपको 5 लाख तक खर्च हुए इस सॉन्ग पे, एक सॉन्ग को बनाने, और इस सॉन्ग पे हम इतने कमा भी नहीं पाएंगे फिर भी हमने लगा दिए ताकि पहला सॉन्ग और लाइफ के बारे था इसलिए मतलब इतना पैसे लगाए कि इससे हमारी सॉन्ग की जो लिरिक्स है वो हमारे लाइफ के ऊपर आधारित है, इसलिए हमने लगा दिए इतने पैसे।
तो गाइज अब नेक्स्ट सीन ये गाड़ी वाला लिया जा रहा है, काफी खूबसूरत नजारा लग रहा है यार, बहुत मजा आ रही है, क्या बताऊं। तो शुरू करता हूँ अपनी कहानी, है तब की बात जब ना थी जवानी, बात सुनी सब की पड़ी की मेहमानी, सिर्फ काम पे है ध्यान मेहनत की खानदानी। घर वाले परेशान, लौटा हाथ से निकल गया ये बोले सुबह शाम, मैंने झूठ दिया जान लगे कर्म ही भगवान, अपने रास्तों का बोझ पाया अलग ही पहचान। तो गाइस लगभग अंधेरा हो चुका है, सुबह 10 या 11 बजे से शूट स्टार्ट है, 11 बजे से शूट स्टार्ट है और अभी बज गए हैं 6:30। नॉन स्टॉप शूट हो रहा है बिना किसी रुके, और अभी पूरा रात भर शूट होगा गाइस, रात भर 3-4 बज जाएंगे रात के, बिना खाए पिए हम लोग शूट कर रहे हैं। कहूँ अपनी कहानी, है तब की बात जब ना थी जवानी, बात सुनी सब की पर किसी की न मानी, सिर्फ काम पे है ध्यान मेहनत की खानदानी। घर वाले परेशान, लौटा हाथ तो कर दीजिए टीम में चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारी टीम के मेंबर डांसर बन गए गाइस, इसको अब इंडियन आइडल भेजेंगे, इनको इंडियन आइडल बोले, डांस इंडिया डांस में भेजेंगे और खूब पैसे छापेंगे हम लोग, डांस इंडिया डांस में जाएगा, करोड़ों रुपया पैसा मिलेगा और पैसे पैसे मजे ही मजे मजे ही मजे। गाइस अब शूट के लिए दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, और अरविंद भाई राजा रंग ले, राजा राजा महाराजा, ये कौन सा सीन है, रईस वाला सीन। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4:58 और अभी हमारा हो रहा पैकअप, पूरा दिन भर शूट चला, रात भर रात के 5 बजे तक शूट चला गाइस, अब देख सकते हो हालत क्या हो गई है पूरे टीम मेंबर्स की और ये रूम की। रात को 5 बजे नहीं, रात को 5 बजे सुबह, ये देखिए 5 बजे सुबह और रात को 5 बजे क्या होता है इसको बताइए। अरे तुम सोचेगा शाम हो गया, 5 बज गया। नहीं नहीं, पूरा दिन भर शूट किया और ये 5 बज गए, सुबह के 5 बज गए, दिमाग बुद्धि बहुत तेज है बुढ़ाओ। तो ये सारा हमारा सामान देख रहे हैं आप, ये कैसे बिखरे हुए हैं, सारे शूटिंग के सामान है गाइस, तो अभी इसको हम लोग को भर के निकलना पड़ेगा यहाँ जल्द से जल्द, क्योंकि जितना ज़्यादा देर रुकेंगे उतना ज़्यादा हमारे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग कंगाल हो जाएं, तो जल्दी से अपना सामान सारा समेट के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चार्ज है, जो हवेली पे हम लोग शूट करने आए हैं, ये द शूटिंग विलेज के नाम से है, फ्री में प्रमोशन कर दे रहे हैं, तो जल्दी से हम लोग निकलते हैं, कोई होटल अच्छा सा देखते हैं वहाँ जाके रुकेंगे, और कल की ट्रेन लेके सीधे घर।